अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसके संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में 26 जनवरी को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पर गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर प्रांत के 16 जिलों के केंद्र पर 500 फीट की तिरंगा यात्रा की रैली निकाली जाएगी और महानगर प्रांत में 1000 फीट की तिरंगा यात्रा की रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगले साल 75 वर्ष में प्रवेश करेगा। इसी निमित्त संगठनात्मक विस्तार करने के लिए देश भर में 1500 विस्तारक निकलने की योजना बनाई गई है। साथ ही संपर्क को बढ़ाते हुए अगले वर्ष के लिए 1,00,000 गांवों तक तथा 50,000 महाविद्यालय में संपर्क करके 1,00,000,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य प्राप्त करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री सौरभ गौड़ ने कहा, प्रदेश मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 24-25-26 दिसंबर जबलपुर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 654 कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया एवं लाखों कार्यकर्ता ऐसे रहे जो ऑनलाइन मोड की माध्यम से उससे राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रतिभाग किया एवं अपने मित्र राष्ट्र नेपाल एवं बांग्लादेश से भी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही साथ प्रशिक्षित विश्वविद्यालय जो विदेशों में है वहाँ से भी अपने कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित रहे। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कैलाश सत्यार्थी जी का रहना हुआ। कैलाश सत्यार्थी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और उनके आशीर्वचनों से हम सभी कार्यकर्ता अनुभूत भी हुए। इस बार प्राध्यापक यशवंतराव केलकर पुरस्कार से कार्तिकेय गणेशन जी को सम्मानित किया गया। कार्तिकेय गणेशन जी मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इस समय वो दिव्यांग जनों के को सशक्त बनाने में वो इसमें निरंतर कार्य कर रहे हैं। अधिवेशन के दूसरे दिन हम सभी की शोभा यात्रा की निकली, जिसमें पूरे देश से विभिन्न प्रांतों से आए अपने विभिन्न वेशभूषा में लोग उपस्थित हुए। साथ ही साथ अपने यहाँ 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। इस वर्ष 4 प्रस्ताव पारित किए, जिसमें पहला प्रस्ताव शैक्षणिक परिदृश्य को लेकर था। शैक्षणिक जगत में विद्यार्थी परिषद निरंतर 365 दिन कार्य करती रहती है, साथ ही साथ उसका कार्य शैक्षिक परिसर में ही होता है। विद्यार्थी परिषद का सदैव से ये मांग रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाए और केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू की इस कदम का जो है विद्यार्थी परिषद हमेशा स्वागत करती है एवं मांग करती है कि कोरोना काल से ही जो महाविद्यालय अभी भी भौतिक रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से सुरक्षा के साथ उसे खोला जाए, ताकि विद्यार्थियों के अंदर और जो विकास है वो उसके माध्यम से होता चला जाए। दूसरा अपना प्रस्ताव है वो वर्तमान परिदृश्य को लेके है। वर्तमान परिदृश्य में आज पूरा देश जो है कि स्वाधीनता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। विद्यार्थी परिषद भी लगातार पूरे वर्ष स्वाधीनता का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और आगे भी हम सभी के राष्ट्रीय अधिवेशन में अनेकों योजनाएँ हैं, जैसे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, ऐसी योजनाएँ हैं। लगातार हम अमृत महोत्सव के तहत हम सभी कार्य करेंगे एवं देश में जो महिला शोधार्थियों के लिए मातृत्व अवकाश जो है वो 240 दिन बढ़ा के कर दिया गया सरकार के द्वारा। ये विद्यार्थी परिषद इस फैसले का निश्चित तौर पर स्वागत करती है, बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला है एवं साथ ही साथ देश में लॉकडाउन की वजह से पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर गई है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है और उस अर्थव्यवस्था के गिरने की वजह से जिस प्रकार महंगाई हमारे देश में बढ़ी है, उस महंगाई को कम करने के लिए, उस महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां राष्ट्रीय अधिवेशन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग करती है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे महंगाई नियंत्रित हो। साथ ही आगामी अपना कार्यक्रम जो है कि जनवरी में 26 जनवरी को स्वाधीनता के 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए अपने गोरक्ष प्रांत में जो 16 जिले हैं उन जिलों के केंद्र पे 500 फीट के तिरंगा यात्रा की रैली निकाली जाएगी एवं जो अपना प्रांत केंद्र है गोरखपुर महानगर उसमें 1000 फीट की तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आगे हम सभी के विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस आने वाले हैं, जिसमें हम लोग संगठनात्मक रूप से भी परिषद को गाँव गाँव, परिषद को महाविद्यालय स्तर तक लेके जाने वाले हैं। ऐसे
लाखों गांव तक हम सभी परिषद के विचारों को लेके जाएंगे। ऐसे 50,000 महाविद्यालय में हम सभी परिषद के ध्येय को, परिषद किस दिशा में और क्यों और कब से काम कर रही है इस चीज़ को लेके, और ज्ञानशील एकता के उन सभी विचारों को लेके महाविद्यालय स्तर तक जाएंगे। साथ ही साथ अभी वर्तमान में अपनी पूरे देश में जो सदस्यता है वो 33 लाख है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये योजना है कि 75वें स्थापना दिवस तक जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो सदस्यता है वो 1 करोड़ तक पहुँचाई जाए। इस ऊर्जा के साथ हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देश भर के कोने कोने से कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े थे, इस योजना के साथ हम सभी अपने अपने प्रांतों में, इस योजना के साथ हम अपने अपने जिलों में एवं अपने अपने केंद्रों को जाएंगे, और स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के साथ साथ आगे आने वाले जो अपने 75वें वर्ष है विद्यार्थी परिषद के स्थापना के, उसको भी हम लोग कार्य करेंगे और विद्यार्थी परिषद को मजबूत बनाते हुए उनके विचारों को, उनके कार्यों को जन जन तक और सभी युवाओं और नौजवानों और विद्यार्थियों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।